तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों अभी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक हुडका या फिर जिसके अंदर तुम भी लगती है ये, इसका पैच बना दीजिए। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ, बहुत ही शानदार पैच है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो दुगन में हमारा एक पैच है वो भी बच जाएगा, प्लस हुडका भी बच जाएगा। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाए हैं वो सारे आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, और क्या क्या मैंने हैंड रनिंग रखी है, किस तरीके से ये बजता है। और आपके पास इसके अलावा भी कोई पैड है तो आप उसमें भी बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं बताऊंगा क्या क्या आपको लगाना है। और जिन पे 20 और 20 प्रो है उनके लिए भी मैं इंस्ट्रूमेंट नंबर बताऊंगा दोस्तों, तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी प्लेइंग। तो 1 2 3 4 तो दोस्तों इस तरीके से ये पैच हमारा बच जाता है। इसकी हैंड रनिंग दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। देखो हैंड रनिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से आप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। और दोस्तों ये 1 2 3 4 जो चलेगा ना, 1 2 3 4 और इसके बाद 1 2 फिर 3 के बाद ये आएगा, ठीक है ये। और जब ये वाला हम स्ट्रोक मारेंगे तो इसके बाद आएगा, ठीक है। बेस के साथ ये नहीं आएगा, बेस के बाद आएगा। बेस से यहाँ गए तो अब ये, बेस से यहाँ गए तो ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना और धीरे बजा लेते ये। ठीक है, ये इसकी हैंड रनिंग है। और हुडके के साथ किस तरीके से जो हमारी तुम भी है वो, ये बेस के साथ ये तुम भी और फिर ये और फिर ये, ठीक है ये। और फिर जब दोबारा यहाँ आएगा तो ये, ठीक है। देखो और अब जब हम इसको मिला के बजाएंगे तो कैसे बजेगा, तो आपने देखा कितने सिंपल इसकी प्लेइंग है। और वो जो हम कट लगाते हैं वो, दोस्तों कितना भी फास्ट कितना भी स्लो इसको आप बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और 20 वालों के लिए और 20 प्रो वालों के लिए भी इंस्ट्रूमेंट की नंबरिंग बता दूंगा। तो अगर आपको इसको बनाना ही है, जो लोग वास्तव में बनाने वाले हैं वो तो सुन के भी बजा लेते हैं पैड कोई सा भी हो। मैं भी कोई इस पैड को लेता हूँ, जब मैंने इसको लिया था तो बहुत कम लोगों के पास था। सारे पैच मैंने खुद डिज़ाइन किए 20 में सुन सुन के। तो मैं अब आपको बताता हूँ, देखो हैंड रनिंग हमने सीख ली, किस तरीके से बजेगा वो सीख लिया, अब हम देखते हैं हमने इंस्ट्रूमेंट क्या लगाए हैं। और दोस्तों क्या होता है, आप ना कोशिश करो इंस्ट्रूमेंट लगाने की, ढूंढने की, बहुत आराम से मिल जाते हैं। देखो
इसकी एडिटिंग तो मैं दूंगा ही, और साथ में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको अभी 20 और 20 प्रो वालों के लिए, देखो साथ में देखना आप, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है ना इस पैच के अंदर, इस पैड के अंदर, वो है खोल 3 के नाम से, और जो हमारे 20 और 20 प्रो वाले हैं उनका i20 पे ये इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो इसकी तो आप लेवल वहाँ पे जो पिच का लेवल है वो कर लेना आप मेरे हिसाब से -6 या -8, ठीक है इतना। और जो हमारा ऊपर वाला है ये वाला, ये भी सेम वही रहेगा i20, तो इसका जो है लेवल आप कर लेना +2 या 3, ठीक है वो करके देख लेना, जहाँ पे आपको पिच का लेवल सही लगे वो आप वहाँ कर सकते हो। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने थर्ड कॉलम में क्या लगाया है। दोस्तों थर्ड कॉलम में मैंने ड्रम की टॉम लगाई हुई है, और ये टॉम 20 प्रो पे, और 20 में ये टॉम है small T21 पे, small T21 इंस्ट्रूमेंट जो है आप लगाओगे, यही टॉम लिखने वाली है, यही टॉम लगने वाली है। और दोस्तों इसका जो पिच है ना वहाँ पे आप 4 करना +4, ठीक है क्रश ट्यून जो है वो +4 करना। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने लगाया हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट तो लगा है मेरा किक, और दूसरा लगा है वो सिंबल। तो किक जो है यहाँ पे दोस्तों आप लगाना है 2020 प्रो में जो है वो B47, और जो सिंबल है वो C02 पे है, उसका जो है लेवल आप कर लेना 2, यानी पिच उसकी 2 कर लेना। और एक काम करना आप इसका जो क्रश ट्यून है ना वो बिल्कुल मैंने बता ही दिया है +2 कर लेना। इसका ना एक अदर में एक स्विच है वहाँ 20 प्रो में, उसको आप दबाएंगे डीके आता है, तो डीके इसका 40-50 रखना, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये इतनी ही बोलेगी, ज़्यादा लंबी ये जाएगी नहीं। अब हम यहाँ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ मैंने सिंपल सा एक ढोलक की चाटी लगा रखी है, ढोलक की चाटी, तो 20 के ऊपर तो ये i8 लगता है, वहाँ पे आप तबले की लगा सकते हैं क्योंकि जो वहाँ पे ढोलक की है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगती, तो i8 को आप लगा लीजिए तबले वाली को। और जो 20 प्रो है उसमें तो दोस्तों प्रॉपर ढोलक की चाटी दी है इंडियन इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ दोस्तों मैंने सैकर लगा रखा है 2020 प्रो पे, ये सैकर L26 पे है दोस्तों, L26, ठीक है वहाँ आप जाके इसको लगा लो। अब यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं, यहाँ क्या लगा रखा है मैंने, यहाँ बायन CL के नाम से इंस्ट्रूमेंट है जो इस पैड में है 20 में और 20 प्रो में। दोस्तों ये मिलेगा आपको I02 पे, ठीक है इसकी आप पिच कर लेना 4, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों ओपन हाई 8 है 20 में, ये small H28 पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से लगा लेना, प्रो में भी वहीं पे ही है small H24, और इसकी जो पिच है वो +3 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम के अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने क्लोज हाई 8 लगा रखी है, तो 20 वालों के लिए, 20 प्रो वालों के लिए ये small H27 पे मिल जाएगी आपको। सेकंड कॉलम में मैंने लगा रखी है ओपन हाई 8, ये small H28 पे मिल जाएगी। और थर्ड कॉलम दोस्तों उसमें नहीं होता तो मैं दो ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दोस्तों बेस लगा रखा है 47 B47, और दोस्तों यहाँ सेकंड लेयर में देखें ना हम, तो यहाँ भी मैंने दोस्तों क्लोज हाई 8 लगा रखी है small H27 पे, ये भी आपको प्रो में और 20 में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप प्रो या 20 में इस पैच को बनाना चाहते हैं तो बहुत आराम से बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है, है ना, क्योंकि मैं भी इधर उधर से ही देख के बनाता हूँ, तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके हैंड रिंग मैंने बताई दी है, हैंड रिंग तो आप किसी भी पैड पे कोई सी भी बजा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा पैच दोस्तों बनके तैयार हो जाता है। इसके बारे में और आपको डीपली चाहिए या आप चाहते हैं कि इसको प्रॉपर मैं 20 में बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं दोस्तों इसको 20 में भी आपको बता दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।